हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है बहुत ही सुस्तीला टाइप का है, क्योंकि हल्का वेदर में चेंज आ रहा है ना, तो मतलब कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है, सब बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है कुछ। तो अभी तो फिलहाल सनसेट हो रहा है और शाम को बज चुके हैं 6, और मैं आपको सनसेट दिखाती हूँ। यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल सनसेट दिखता है, वैसे तो सबके घर से दिखता होगा, लेकिन मुझे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए गाइस, इतना ब्यूटीफुल हो रहा है ना ये। वॉल पे हाथ मत लगा बेटा। एक्चुअली मैं ना थोड़ा सामान लेकर आई शॉप से, आज पनीर बनाने का मन है थोड़ा, देखते हैं कैसा बनता है। पनीर माखन वाला टाइप का कुछ बना रही हूँ, और माखन वाला या मक्खन वाला पता नहीं, कुछ ऐसी है। तो यशवी की साइकिल भी लेनी है, तो मैं सोच रही हूँ सामान रख के आती हूँ, फिर यशवी की साइकिल लेके नीचे जाना है। तो बस बहुत काम रहता है गाइस। यशु की साइकिल लेके मैं नीचे जा रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा शाम को एक्सरसाइज हो जाती है मेरी, ऐसी भागा दौड़ी भागा दौड़ी। तो गाइस, मैं यशवी को नीचे घुमा फिरा के ले आई हूँ, अपना भी मेरा वॉक कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा टारगेट रहता है कम से कम 1.5 से 2 घंटे घूमने का, मतलब 10,000 अपने स्टेप कंप्लीट करने का। तो आज तो 8,000 ही हुए हैं। फिलहाल तो मैं पनीर बनाने जा रही हूँ, पनीर, और हम बनाएंगे सुहाना मसाला से पनीर माखन वाला मिक्स। और यहाँ पर मैंने अंडे भी बॉयल करने के लिए रख दिए, लेकिन उससे पहले संदीप आ चुके हैं, तो मैं थोड़ा चाय बना देती हूँ। चाय पीने का मन कर रहा है, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद अपना डिनर बनाते हैं। और अभी फिलहाल यशवी क्या कर रही है, यश बैठ के यहाँ पर टीवी देख रही है, और उसका एग्ज़ाम है, और उसको कोई टेंशन नहीं है कि मुझे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना है। और वहाँ देखो संदीप वहाँ लगे हुए हैं फ़ोन पे, चला दो। तो हम इस पेस्ट को ऐड करते हैं मिल्क के साथ, और मैं आपको दिखाती हूँ। साथ ऐड कर दिया, और ये इस तरीके का कुछ पेस्ट बना है। इसके बाद हम यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं, और फटाफट हम अपना पनीर माखन वाला रेडी कर लिया। तो ये हो चुकी है हमारी प्यूरी, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, मैं बताना भूल गई थी कि मैंने इसमें गार्लिक और अदरक भी ऐड किया, फिर पेस्ट बना के इसमें ऑयल के साथ पूरा छौंक लिया है। और अब हम वेट करेंगे 3 से 4 मिनट का, जब तक इसमें ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। और हल्का मैंने नमक भी ऐड कर दिया, ताकि ये जल्दी पक जाए। उसके बाद हम इसमें ये प्यूरी ऐड करेंगे, जो मैंने प्यूरी यहाँ पर बनाई है, बनाई मतलब रेडीमेड प्यूरी है ये। तो गाइस, आज बन रहा है पनीर माखन वाला। पनीर माखन वाला बन रहा है आज। तो माखन वाला कौन है? माखन वाला पता नहीं, मुझे क्या पता, रेसिपी का नाम है माखन वाला। माखन वाला आज पनीर बनने जा रहा है। लग तो इसकी शक्ल बहुत अच्छी रही है, देखो तुम तो इतने दूर से दिखा रहे हो, तो कैसे दिखेगी अच्छी शक्ल। देखो गाइस, ये इन्होंने इस पैकेट में किसी होटल से थोड़ी सी ग्रेवी लेके पैक करी है। नहीं नहीं, इसमें मेरा भी थोड़ा हाथ है, ठीक है, मैंने भी थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया है इसमें। इसमें गाइस मेरा भी हाथ है, देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा हाथ है, ये वाला हाथ नहीं, मतलब मैंने इसमें लिखा हुआ था सिंपल टमाटो की प्यूरी बनानी है, लेकिन मैंने इसमें अदरक और मिर्च और गार्लिक भी ऐड किया है। फाइनल टेस्ट मैं ही बताऊंगा आपको कि क्या है इसमें। तो तब तक खुशबू तो आ रही है, जो ये टेस्ट है, ये जो इसकी शक्ल दिख रही है, इसके हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत अच्छा बन रहा है, खुशबू नहीं आ रही। बाकी मैं टेस्ट करके आपको बिल्कुल परफेक्ट रिव्यू दूंगा कि आप माखन वाला पनीर खाएं या ना खाएं। वैसे खुशबू आ रही कि नहीं आ रही? खुशबू तो आ रही है। चलो अब हम इसे पकने देते हैं, उसके बाद इसमें पनीर ऐड करते हैं। आपको दिखाया नहीं, इसमें पनीर भी ऐड कर लिया है मैंने, अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं 3 से 4 मिनट, और ये हो जाएगा फाइनल रेडी, और उसके बाद हम सर्व करेंगे। साथ में मैं रोटियां भी बना लेती हूँ। एड सम बटर एंड
रेडी हो चुका है ये, अब हम सर्व करते हैं। सो गाइज, हमारा खाना यहाँ लग चुका है और यशवी का कल एग्ज़ाम है तो संदीप इसकी तैयारी करवा रहे हैं। और ये देखो, इसकी काउंटिंग की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे। मैंने पूरा करा है। वाह यशवी तो इंटेलिजेंट हो गई। देखो सही किया इसने, पूरा खुद किया इसने। वेरी गुड। अच्छा पेन लेके आना पड़ेगा एक दो। हाँ, इससे चल भी नहीं पा रहा। वाह यशवी तो इंटेलिजेंट हो गई। संदीप ना कल का एग्जाम अच्छा देगी ये, उम्मीद तो है। चलो कल यशवी का मैथ्स का एग्जाम है और चलो यशवी अब खाना खा लो, ठीक है? हमारी खिदमत में आज पनीर माखन वाला। सो आप टेस्ट करके बताइए हमें, हमारे जज आप ही हैं। सो गाइस, आप देख रहे हैं मास्टर शेफ, और मास्टर शेफ में मेरे पास एक ही शेफ है और उसको जिताना ही मेरा मकसद है, क्योंकि अगर नहीं जिताऊंगा तो कल खाना नहीं मिलेगा। नाटक तो नहीं करते यार, मतलब लोग सोचते हैं कि हर बार यही करता है। तो गाइस ये करना पड़ता है यार। मैं ना जेन्युइन पूछ रही हूँ कि हाँ मतलब है टेस्टी कि नहीं है, मतलब सही बना हुआ कि नहीं बना हुआ। नहीं, अच्छा बना हुआ है। आप लोग अपने घर में ट्राई कर सकते हो। जेन्युइन मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ कि एक बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे आप होटल से लेके आते हो ना। वैसे भी हमने देखा, हम लोग क्या करते हैं जब हम होटल में जाते हैं तो हम वहाँ ढूंढते रहते हैं चपाती मिलेंगी हमें घर की, और जब हम घर में रहते हैं तो हम बोलते हैं यार घर गई तो खाना खा रहे हैं। ये ग्रेवी बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसे आप बाहर की खाते हैं, और मतलब अपने घर में ये चीज़ बना के कभी कभार खा सकते हो, ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा हाइजीनिक भी है, क्योंकि वहाँ पता नहीं किस तरह का टमाटर और क्या यूज़ करते हैं, कितने दिनों का रहता है। जीरे यूज करते हैं, टमाटर यूज करते हैं, और दूसरी चीज की चपाती के साथ। कौन सी उसका था ये ब्रांड का? सुहाना ब्रांड। सुहाना के तो वैसे भी अच्छे हैं। गाइज, हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी संदीप जा रखे हैं वॉक करने, यशवी थोड़ा खेल रही है। बाकी आज के व्लॉग में बहुत कुछ खास नहीं था, बस थोड़ी एक सिंपल सी रेसिपी थी, छोटा व्लॉग है। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा, तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, और इसी तरीके से अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए आते रहेंगे। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।